हाय फ्रेंड, यूपी की दर्शनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी और चोखा। तो चोखा बनाने के लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंगन को। बैंगन को हम काट, इसको धो के पोछ लिया मैंने अच्छे से, और अब हम इसको कट अब हमने इसमें कट लगा लिया है। अब हम इसको खोल के देख लेंगे, कीड़े तो नहीं है इनमें, कहीं नहीं है, बैंगन साफ है। हमने इसमें 5 कट लगाया है, और अब हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। और अब हम इसमें हल्का सा हथेली में ऑयल लगा लिए हैं, तेल सरसों का, और अब हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। और लगा के हम अब ये स्टैंड रख लेंगे हम भूनने के लिए। और हम धीमी आंच कर देंगे इसका, और बैगन हम इसी पे रख देंगे, और ये हम बीच बीच में इसको ऐसे घुमाते रहेंगे, और बैगन को अब हम भून लेंगे। हो गया है, रेडी हो गया है बिल्कुल। अब हम इसको हटा के रख देंगे ठंडा होने तक। ये हो चुका है, अब ये ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बनाते हैं। गैस को बंद कर देते हैं, और टमाटर भी हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है थोड़ा सा, और ये मेरा टमाटर भी हो गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे इनको, और फिर अब हम चलते हैं आटा लगाने बाटी के लिए। कि मैंने 1 कटोरी जो है आटा ले लिया है भर के, और हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, और हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। और हम बाटी बना रहे हैं, तल के बना रहे हैं, तो हम आटा थोड़ा मुलायम रखेंगे। और एक बनती है विदाउट तले, उसको भी हम बनाना बताएंगे आपको। आज हम तल के बना रहे हैं, तो आज हम तल के ही बनाते हैं। अब हम आटा लगा लेते हैं, आटे का डो मैंने लगा लिया। अब इसको हम रेस्ट पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और देखिए कितना मुलायम लगा रखा है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10 मिनट रेस्ट के लिए। जब तक आटा है हमने रेस्ट पे रख दिया, तब तक हम चोखा बना लेते हैं। और बनाने के लिए हम इस बैंगन को पहले छील लेते हैं। आप इस पे ऑयल लगा देंगे तो ये बड़े आसानी से छिल जाते हैं। देखिए, हम इनको छील लेते हैं पूरा।
बैंगन और टमाटर को हम अच्छे से छील लेंगे। आप ऑयल लगा लेंगे तो टमाटर का छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। हम इसी कढ़ाई में बैंगन, मिर्ची, मिर्ची को हम दो टुकड़े कर देंगे, सब हम एक साथ डाल देंगे। मिर्ची को हम कट कर लेते हैं। कट करके हम डाल लेंगे। और हमने आलू भी भूनी, आलू रखी है, शकरकंदी हम भून रहे थे तो हमने आलू को भी भून लिया था। अगर आपको भी आलू भूनने का रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे आपको भी कैसे भूनते हैं आलू। अब हम इन सबको अच्छे से मैशर से मैश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सारे सामान इसमें मिलाएंगे। अभी अच्छे से मैश हो गया है, अब हम इसमें सारे सामान मिलाते हैं। ये है थोड़ा सा एक प्याज है जो हमने चॉप कर लिया है, डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और हम इसमें आधा नींबू डाल देंगे, रस नींबू का। और इसमें हम एक चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और सब अच्छे से मिला देंगे। हम रेडी हो गया है, अब हम इसको थोड़ी धनिया ऊपर से भी डाल देंगे जो है। ये बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसको ढक के रख देते हैं और अब हम बनाते हैं बाटी के लिए सत्तू। ये मैंने सत्तू ले लिया है, चने का सत्तू है ये, भुने हुए चने का। ये आप भी ले सकते हो, नहीं तो चना जो घर में होता है भुना हुआ उसका छिलका उतार के आप तो मिक्सी में पीस के भी ले सकते हो आप। मैंने एक कटोरी ले लिया है चने का सत्तू, और मैंने ये प्याज है, इस पे लहसुन है, मिर्ची है और अदरक है थोड़ा सा, मैंने इसमें डाल दूँगी, सब चॉप करके ले लिया है। आप नहीं डालते हो प्याज तो मत डालिएगा, कोई नहीं। और जो इसका मेन है राजा वो है ये अचार का मसाला, हमने खटाई का लिया, खटाई का, अचार का, किसी चीज़ का भी आप ले सकते हो। अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप अमचूर डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हम इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें हम नींबू का रस भी ऐड करेंगे। अब हम इन सबको मिलाना चाहें तो चम्मच से भी मिला सकते हैं, पर मैं हाथ से मिलाऊंगी, हाथ से अच्छे से मिल जाता है सब चीज़ें जो है। ये अभी मिल तो गया अच्छे से, पर ये अभी सूखा सूखा है, ये जब हम बाटी को बनाएंगे तो ये पूरा चूरा चूरा बिखर जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा इसको हम गीला कर देंगे जो है। ये अब बढ़िया से रेडी हो गया है डालने के लिए, अब हम उसमें डालेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। चलो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं बाटी। अब हम बाटी बनाना स्टार्ट करते हैं। आटा ले लेंगे, थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे, उसके बाद हम जितनी बड़ी आप बाटी बनाना चाहो, छोटी बड़ी जितनी बड़ी
इसको ऐसे काट लेंगे, उसके बाद हम इनको ऐसे करके ऐसे कटोरी की तरह बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें सत्तू डाल देंगे। डाल के अच्छे से बंद कर लेंगे। जो स्टार्ट होगा उसको हम निकाल लेंगे। ये रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैं सिर्फ दबा देंगे, अभी हम बना के रख लेते हैं, फिर उसके बाद तलते हैं। ये हमने कुछ बाटी बना के रख लिए हैं, अब हम उनको फ्राई कर लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए तेल, जैसे डाला ये अभी बहुत हल्का गरम है, ऐसे ही रखना तेल को। और इसको मीडियम आंच पे ही तलना है, बहुत ज़्यादा हाई आंच पे नहीं तलना, नहीं तो अंदर भी ये कच्ची रह जाएंगी। धीमे धीमे हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसको पलट देंगे थोड़ा, अच्छे से पक चुकी है, देखिए ऐसे फूली फूली बनी है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे अच्छे से। सबको हमने निकाल लिया है और अब हम खाने के लिए निकालते हैं। ये हमारा बाटी चोखा रेडी है, अब हम इनको खाने के लिए निकालते हैं। आप भी बनाइएगा, ट्राई जरूर करिएगा, देखिएगा कितना स्वादिष्ट ये बनता है और बहुत ही अच्छा। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितना मुलायम, कितना अच्छा है, देखिए बिल्कुल अच्छा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा।